यह कि गवर्नमेंट हमसे अच्छी है अल्लाह जानता है वो अपने मुल्क का सोचते हैं हम अपने मुल्क का नहीं सोचते जब हम अपने मुल्क का सोचेंगे ना हम तरक्की करेंगे ये ट्रेन टाइम पे नहीं आ रही आज भी जो लामा इकबाल आ रही है साढ़े चार घंटे लेट है इकबाल इकबाल एक्सप्रेस साढ़े चार घंटे लेट आ रही है अमूमन इसका ढाई घंटे लेट आ रही है रूटीन में ये जो तो पाकिस्तान में जो ट्रेनें चल रही हैं वो आपको क्या लगता है कि उसकी जो स्पीड है वो है एक या एक के करीब स्पीड है अस्सी सत्तर सौ इससे अभाव नहीं जाती है ट्रेनें की जो ट्रेन है अस्सी सत्तर सौ के अलावा नहीं, नहीं जा रहे है बात करूँ ना इंडिया में जो इस वक्त ट्रेन चली है वंदे भारत वंदे भारत के नाम से जो उसकी हाई स्पीड जो उसकी जो टॉप स्पीड है ना वो एक सौ अस्सी है और वो वन सिक्सटी तक उनकी पटरी पर चल रही है तो आइए भाई से पूछते हैं कि ट्रेन की स्पीड कितने में चलती है असला एक सौ पाँच किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन जा रही है एक सौ पाँच से ऊपर नहीं चलती है ट्रेन कुछ ये चीचावतनी से आगे ना एक सौ बीस भी है लेकिन इसकी खैबर असल फ्रेंड क्या हाल है उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जुबैर वतनी आज हम मौजूद हैं चीचाबंदी स्टेशन के ऊपर और पाकिस्तान में इस वक्त जो ट्रेन लाइन चल रही है आपको मैं उसकी सूरत हाल पाकिस्तान में इस वक्त कोई अच्छी ट्रेन न्यू नहीं आई एज़ कम्पेयर हम बात करें इंडिया में इंडिया में एक ट्रेन रिसेंटली उन्होंने लॉन्च किया है वंदे भारत के नाम से ट्रेन लॉन्च किया रात को मैं उसकी वीडियो देख रहा था बहुत ही कमाल की ट्रेन बनाई है और बहुत ही दिलकश नज़र आने वाली वो ट्रेन है और बहुत ही मज़ा कर है वो ट्रेन अगर मैं आपको पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में रेलवे जो ट्रैक बिछा हुआ है जो रेलवे लाइनें पटरी बिछी हुई हैं सिर्फ वो अंग्रेज़ों के दौर में बिछी हुई हैं पाकिस्तान में पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी नई पटरी नहीं, नहीं बिछाई और अगर मैं बात करूँ जो इंडिया में जो इस वक्त ट्रेन चल रही है वंदे भारत के नाम से जो उसकी टॉप स्पीड है वो वन एटी की स्पीड है और उस जो इस वक्त वो उनकी रेलवे लाइन की सिचुएशन देख के उन्होंने 160 की स्पीड मुकर की गई है कि वो 160 की स्पीड से चलेगी जब तक पाकिस्तान में इस वक्त कोई इस तरह की ट्रेन नहीं चली पाकिस्तान में सिर्फ 110 या 120 सौ लिमिट है जहाँ पर वो तो ट्रेन 120 की स्पीड से चलती है तो आइए अपनी आवाम से करते हैं गुफ्तु के पाकिस्तान में अभी तक कोई हा, हाई स्पीड ट्रेन क्यों नहीं बनाई गई क्या ऐसी वजह है कि इंडिया ने हमारा जो पड़ोसी मुल्क इंडिया ने अपनी बहुत अच्छी वंदे भारत के नाम से जो ट्रेन आजाद कर दिया उन्होंने पूरी दुनिया में छा गए हैं ट्रेन में वंदे भारत के नाम से वो ट्रेन बना के और आए दिन नई नई टेक्नोलॉजी उधर आती रहती है अगर बात करें तो इंडिया इंडिया टेक्नोलॉजी में हमसे आपको पता ही है कहाँ पर जा रहा है बताने की जरूरत नहीं है और पाकिस्तान में इस वक्त अभी खाने के लाले पड़े हुए हैं जब तक जब हम देखते हैं कि इंडिया में सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई नई अपॉर्चुनिटी आती रहती है और पाकिस्तान में हमारे जो हुरान हैं इनको आपस में लड़ने से फुर, फुर्सत मिले तो पाकिस्तान का ये कोई सोचें हम आपको आज चीचावनी रेलवे स्टेशन का विजिट कराएंगे और दिखाएंगे कि हमारे चीचावनी और पाकिस्तान में रेलवे लाइन किस तरह की है आप भारत से या किसी भी जगह से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो भाई हमें भी विजिट कराएं हमें भी दिखाएं आपके उधर कैसी ट्रेनें चलती हैं और क्या हिसाब चलता है हम आपको पाकिस्तान में जो चल रही है वो आपको दिखाते हैं तो आए अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो ये जो पटरियाँ बिछी हुई हैं ये जो पटरीयों की हालत इस तरह की है कि ये अंग्रेज़ दौर की पीछे हुई हैं अभी तक पाकिस्तान ने कोई भी ऐसी पटरी नहीं बिछाई जो कि हम कह सकें यार ये पाकिस्तानी रेलवे रेलवे ट्रैक है और पाकिस्तान ने हाँ दो काम किए हैं लाहौर में पाकिस्तान ने लाहौर में एक मेट्रो मेट्रो लाइन बनाई है और एक दूसरी बनाई है औरिंग लाइन औरंग लाइन काफ़ी अच्छी है जबकि मेट्रो लाइन भी अच्छी है एज़ कम्पेयर बात करें तो इंडिया में इंडिया में इस तरह की बहुत सारी बनी हुई हैं तो पाकिस्तान में देखते हैं कि कब तक इस तरह की सूरत हाल बनेगी कि पाकिस्तान में भी नई नई अपॉर्चुनिटी हैं और नई नई रेलवे लाइन आती रहेंगी जबकि लोग बुलेट ट्रेन तक पहुँच गए हैं और हमारे पाकिस्तान अभी भी वही पुरानी ट्रेनों पर लगे हुए हैं वही चला रहे हैं तो आपको हाँ पूरा चीचावनी रेलवे स्टेशन दिखाऊँगा या आप ऊपर ओवर हेज ब्रिज देख सकते हैं यह ब्रिज बना हुआ है तो आइए अपनी आवाम से जानते हैं कि जैसे इंडिया में वंदे भारत के नाम से ट्रेन बनाई गई है कि पाकिस्तान में इस तरह की ट्रेन कब तक पहुंचेगी और पहुँचेगी भी या नहीं पहुँचेगी उम्मीद लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो चलते हैं अपनी अवाम की तरफ तो आइए भाई से पूछते हैं कि ट्रेन की स्पीड कितने पर चलती है अल्लामी को एक सौ पाँच किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये ट्रेन जा रही है खैबर एक सौ पाँच के ऊपर नहीं चलती है ट्रेन ट्रैक कुछ ये चीचावतनी से आगे ना एक सौ बीस भी है लेकिन इसकी खैबर मेल की एक सौ पाँच अच्छा अच्छा और खैबर मेल की जो इस वक्त स्पीड है ना हाइएस्ट स्पीड ये बता रही हैं कि एक सौ बीस है और ये आम जो चल रही है इस वक्त वो 106 पे चल रही है 106 की स्पीड पे तो कैसे नज़ारे आ रहे हैं ट्रेन पे वालेकुम सलाम जी भाई जान क्या नाम है आपका शबिरी हुसैन शबिर हुसैन शबिर हुसैन भाई इस वक्त जो पाकिस्तान रेलवे की सिचुएशन जा रही है कैसे जा रही है जो आपको ट्रेनें मिल रही हैं वो उसकी क्या स्पीड जा रही है इस वक्त अभी ट्रेन टाइम पे नहीं आ रही आज भी जो लामा इकबाल आ रही है साढ़े चार घंटे लेट है लामा लामा इकबाल इकबाल एक्सप्रेस जो साढ़े चार घंटे लेट आ रही है अमूमन इसका ढाई घंटे लेट आ रही है रूटीन में ये और जो पाकिस्तान में जो ट्रेनें चल रही हैं वो आपको क्या लगता है कि उसकी जो स्पीड है वो है एक सौ सत्तर या एक सौ साठ के करीब स्पीड है अस्सी सत्तर सौ इससे अभाव नहीं जाती है ट्रेनें पाकिस्तान की जो ट्रेनें है अस्सी सत्तर सौ के अलावा नहीं जा, नहीं, नहीं जा तो तो रही बात करूँ ना इंडिया में जो इस वक्त ट्रेन चली है वंदे भारत वंदे भारत के नाम से जो उसकी हाई स्पीड जो उसकी जो टॉप स्पीड है ना वो एक सौ अस्सी है और वो वन सिक्सटी तक उनकी पटरी पर चल रही है वो इंडिया ने इतनी अच्छी ट्रेन मुतारफ़ करवा दी है कि आपको लगता है कि पाकिस्तान में कब तक इस तरह की ट्रेन आ जाएगी हमारा जो रेलवे ट्रैक बिछा हुआ ना ये एक सौ बीस की स्पीड का बिछा हुआ है हमारा जो रेलवे ट्रैक जो रेलवे ट्रैक है तो गवर्नमेंट की तरफ से आपको लगता है कोई नया रेलवे ट्रैक बिछाया हो या नई पटरी बिछाई हो ऐसा कोई सूरत हाल नजर ही नहीं आ रही तो हमारे इस रोड इस रेलवे ट्रैक पे कोई नई ट्रेन बना दी गई हो जिसकी स्पीड भी अच्छी हाँ ये ग्रीन लाइन चलाई है अभी जिसकी स्पीड अच्छी है लेकिन ये भी एक की स्पीड पर चलती है और हर स्टेशन पर थ्रू से गुजरती है रावलपिंडी से चलती है और ये कराची तक जाती है और इसका किराया बहुत ज़्यादा है कितना कराया किराया तकरीबन एट थाउजेंड है इसका एट थाउजेंड कराया उस ट्रेन का उसका हाँ जी अगर मैं बात करूँ ना जो इंडिया ने ट्रेन बनाई है वंदे भारत के नाम से उसकी लुकिंग वाइज बहुत ही ग्रेसफुल है और दूसरे नंबर पे वो 160 की स्पीड से चलती है 160 की स्पीड आप देख सकते हैं कितनी हो सकती है बहुत ज्यादा स्पीड है हर बंदा अपने टाइम पर पहुँच सकता है ना ये कब तक आपको लगता है कि पाकिस्तान में इस तरह की ट्रेन मुतारफ़ करवा दी जाएगी जो हाई स्पीड पाकिस्तान में ट्रेन मिलेगी जैसी हुकूमत चल रही है नजर ही नहीं आ रहा कि आगे कोई ऐसी को हाई स्पीड ट्रेन आएगी तो किराए में काफ़ी कमी आई है मैंने सुना है में तकरीबन तीन दफ़ा किराया बढ़ चुका है इसका अठारह फीसद तीस फीसद और सात फीसद करके आप चाहते हैं कि पाकिस्तान में भी अच्छी ट्रेन आए जो हमारी आवाम को सहूलत मिले और बंदा जैसे दू दूसरी कंट्री तरक्की कर रही है हमारी कंट्री भी वैसी ही तरक्की कर हाँ ज़रूर क्यों नहीं ऐसा होना चाहिए कि जैसे भारत में चली ट्रेनें इधर हमारे पाकिस्तान में भी चलनी चाहिए लेकिन इसके लिए कोई नज़र ही नहीं आ रहा है रोज़ बरोज़ वो इंडिया तरक्की कर रहा है ठीक है ना बहुत सारी ट्रेनें निकाल रहा है तकरीबन वो ग्यारहवीं ट्रेन उन्होंने लॉन्च करने वाले हैं दस ट्रेनें उन्होंने निकाल दी हैं वंदे भारत के नाम से और ग्यारहवीं ट्रेन लॉन्च करने वाला है तो ऐसा वो भी तरक्की कर रहा है पाकिस्तान कब तक तरक्की करेगा इस तरह की इस तरह की ट्रेनों में जिस तरह ये हुकूमत चल रही है इस तरह तरक्की करते हुए कोई ही नज़र नहीं आ रहे अभी तक जो ये हुकूमत चल रही है ना ये पैगाम देना चाहते हो आप हमारी आवाम को या हमारी गवर्नमेंट को ट्रेन के वाले से नहीं बस हम यही कहेंगे कि ट्रेनों को अपडेट किया जाए टाइम ट्राइन पर पहुँचे और मुसाफर अपनी जगह पर टाइम पर जाएँ पहुँचें ताकि हम भी कहें कि हमारे पाकिस्तान में भी कोई अच्छी ट्रेन है तो हम दूसरे कंट्री को भी इस पर कंपेयर करें इस वाले ऐसे हाँ ऐसे ही होना चाहिए ट्रेन को टाइम पे आना चाहिए स्टेशन पे और पैसेंजर देखो ये सुबह से खड़े हैं चार घंटे गाड़ी लेट आ रही है कैमरा मैन दिखा सके तो आप देख सकते हैं कि पीछे ये सारे पैसेंजर जो खड़े हैं भाई का कहना है कि साढ़े घंटे जो ट्रेन लेट है इतनी लेट होने की वजह वैसे बता सकते हैं इसकी कोई वजह नहीं समझ नहीं आती कभी ये चार घंटे लेट होती है कभी ढाई घंटे लेट होती है हर रोज रूटीन का मसला भी आपने वैसे पहले लाहौर जाना है लाहौर जाना, जाना है आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ट्रेन भी आ रही है उतनी देर इन भाइयों से बातचीत करते हैं कि क्या इनको मसाइल हैं इधर असल क्या क्या नाम है आपका मोहसन अली मौसन अली मौसन अली भाई कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ट्रेन में सफर करने का ठीक है माशाल्लाह माशाल्लाह पाकिस्तान में ट्रेनें जो चल रही हैं ठीक चले ठीक चल रही है इस वक्त जो पाकिस्तान में हाई स्पीड जो ट्रेन चल रही है वो कौन सी है जिसकी स्पीड तकरीबन कोई वन फिफ्टी तक हो ग्रीन लैंड है ग्रीन लैंड कितनी स्पीड है उसकी उसकी वन है इधर बात करूँ ना स्टॉप नहीं है उसका इधर नहीं है यानी कि वो जो स्टॉप है बड़े बड़े शहरों में या छोटे स्टॉप नहीं अगर मैं बात करूँ ना इंडिया में एक ट्रेन चली है वंदे भारत के नाम से उसकी जो टॉप स्पीड है ना वो वन है तो वो वन की स्पीड से चल रही है उनकी पटरीयों पर तो पाकिस्तान में कब तक हमारे जैसे वंदे भारत के नाम से और पाकिस्तान में कब तक पाकिस्तानी ट्रेन कोई अच्छी आ जाएगी जो पाकिस्तान में तकरीबन वन एटी की स्पीड से चलेगी भाई जान एक ही जवाब देता हूँ जब तक पाकिस्तान को खाने वाले छोड़ेंगे फिर पाकिस्तान को कुछ मिलेगा जब तक खाने वाले हैं ना हम ऐसे ही लगेंगे और ये जो ट्रेन की पटरियाँ बिछी हुई हैं आपको लगता है कि पाकिस्तान में इनमें से कोई ट्रेन की पटरी बिछाई है पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया जो जो पहले हम जिनकी गुलामी कर रहे थे ना वो ठीक थे उनका बिछाया हुआ सब कुछ है ये वो सब मेंटेनेंस है जो पाकिस्तानी इन पे कर देते हैं ये करते हैं ये इसके अलावा कुछ नहीं करते नहीं बस माल बनाते हैं जो आ जाता है जो पोस्ट पे आ जाता है वो अपना सोचता है जब कोई मुल्क का सोचने आएगा ना फिर फिर भाई मेरे वक्त बदलेगा फिर कुछ तो होगा सोशल मीडिया पे अक्सर देखते रहते हैं कि इंडिया तरक्की कर गया फलाना मुल्क तरक्की कर गया उन्होंने इतनी अच्छी ट्रेन निकाल दी वो मुल्क का सोचते हैं हम अपना सोचते हैं ये चीज़ है फर्क है यानी कि आने वाले वक्त में आपको नहीं नजर आ रहा है कि पाकिस्तान में भी कोई अच्छी ट्रेन नहीं कुछ भी नहीं ईद आ गई है तो किरायों में भी कमी आई है या नहीं नहीं बल्कि इजाफा हुआ है दस रुपए तो रात पेट्रोल बढ़ा है यार इस तरह के त्यौहार आए तो हमारी आवाम को रिलीफ देना चाहिए हमारी जो गरीब आवाम है इसका उल्ट हो जाता है कि रिलीफ की बजाय ये उनको रेट बढ़ा देते हैं भाई जान त्यौहार पे तो कमाई होती है दस दिन लगते हैं हर बंदे के नीचे आ जाए ऊपर चल जाए जो भी है इस मुल्क को खाया है तो लगाया किसी ने इंडिया की जो गवर्नमेंट को गवर्नमेंट को पैगाम देना चाहते हैं आप इंडिया की गवर्नमेंट हमसे अच्छी है अल्लाह जानता है वो अपने मुल्क का सोचते हैं हम अपने मुल्क का नहीं सोचते जब हम अपने मुल्क का सोचेंगे ना हम तरक्की करेंगे ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पाकिस्तानी रेलवे जो पे इस वक्त ट्रेन आ रही है इलामा इकबाल एक एक्सप्रेस ट्रेन आ रही है आप देख सकते हैं कि लुकिंग वाइज आपको मैं दिखा सकता हूँ कि फ्रंट साइड पर इसका किस तरह का व्यूज़ है और बैक साइड पर आप देख सकते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान की बॉडी शेप है ट्रेन की आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी हाई स्पीड कितनी होगी और ये किस हिसाब से चलती होगी हमारे रेलवे ट्रैक पर और ये टोटली आप देख रहे हैं टोटली ये जो ट्रेन के मॉडल हैं वो बहुत ही ओल्ड मॉडल हैं अंग्रेज़ों के दौर के ये मॉडल बने हुए हैं ये ट्रेन के ये देख सकते हैं आप और एज़ कंपेयर मैंने एक चीज़ देखी है कि इंडिया में जो बंदे भारत के नाम से ट्रेन चली है ना मैं क्यों उनकी तारीफ बार बार कर रहा हूँ यार वो लुकिंग वाइज बहुत ही ग्रेटफुल है जो उनकी सीटों की कोशिश है वो बहुत ही लेवल की की गई है और जो अंदर का माहौल है स्ट्रक्चर वो ट्रेन का तैयार किया गया है वो अनबिलीवेबल बहुत लेवल की तैयार की गई है तो भाई इन हमारे पाकिस्तान भी एक दिन तरक्की करेगा और पाकिस्तान में बहुत ही अच्छी अच्छी ट्रेन आएंगी हम अपनी आवाम से ये बात कर चुके हैं इसके हवाले से तो बाकी आपकी क्या राय है आपने इस वीडियो के मतलब बताना है कि आपको वीडियो ये कैसी लगी और आपके उधर हाँ ट्रेन कोई चल रही है तो उसके मतलब हमें कमेंट में ज़रूर गाइड करिएगा कि आपकी उधर कौन सी ट्रेन चल रही है और उसकी कितनी स्पीड है तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़